हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में बात करूँगी। यदि हम बाबर के विषय में बात करते हैं या उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में, तो ये बहुत ही यहाँ पे कहा जा सकता है कि उसका जो जीवन रहा था वह संघर्ष का भी रहा था, परंतु बहुत सारे ऐसे पहलू हैं इसके जीवन के जो बहुत ज़्यादा रोमांचित भी करते हैं और लोगों को और पढ़ने के लिए बाबर के विषय में विवश भी करते हैं। आगे यदि हम यहाँ पे बाबर के प्रारंभिक जीवन के विषय में बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा, बाबर जो है वो भारत में मुगल शासक के संस्थापक के तौर पर याद किया जाता है। और आगे मैं आप लोगों से इस वीडियो में बाबर का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था उसकी चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं कि बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो हमें यह देखने को मिलता है कि इसका जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था, तथा इनका जन्म मावरा उन्नार में फरगना नाम के छोटे से रियासत में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था तथा इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं बाबर के वंशजों के विषय में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही हम प्रसिद्ध विश्व में जो रहे हैं चंगेज खान और तिमुर, उनके वंशज को ये बिलोंग करते थे। इनके पिता के वंश को यदि हम देखते हैं तो बाबर के पिता की तरफ से तैमूर का पांचवा वंशज ये रहे थे, तथा इनकी माता का वंश चंगेज खान के 14वें वंशज से संबंधित रहा था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि बाबर के शरीर में उसके रक्त में तुर्कों और मुगलों दोनों की ही उपस्थिति रही थी या विद्यमान रही थी। बाबर के यदि हम पूरे नाम उसका क्या था उसके विषय में बात करते हैं, तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना घाटी के शासक थे तथा बाबर उनके सबसे बड़े पुत्र थे। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं कि बाबर का मातृभाषा क्या था, तो हमें यहाँ ये जानकारी प्राप्त होती है कि वह चागताई भाषा थी, जो कि एक हम कह सकते हैं कि विलुप्त भाषा रही है तुर्की भाषा की। प्रचलन में और बोलचाल में फारसी भाषा का अधिक प्रयोग लोगों के द्वारा किया जाता था। यही कारण है कि बाबर भी फारसी भाषा में प्रवीण रहा था, यद्यपि उसने अपने बाबर नामक ग्रंथ को भी जो है वो चगताई भाषा में ही लिखा था। और बाबर नामा में हमें पता चलता है कि उसने एक नए शैली को जो है जन्म दिया था, जिसे हम मुबैया शैली के नाम से जानते हैं। अगर हम बाबर के नाम को देखें तो हम देखते हैं कि बाबर नाम फारसी शब्द बबर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ सिंह होता है। तो यहाँ नाम ही जो है बाबर का वो दर्शाता है कि वो कितने सारे गुणों से स्पेशली एक सैनिक के तौर पे उसमें विद्यमान रहा था। बाबर का मूल मंगोलिया के बलराज कबीले से होने के कारण फारसी तथा तुर्की जनजीवन इन दोनों का ही असर बाबर के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। बाबर यदि हम बात करते हैं कि बाबर किस समय राजगद्दी पर बैठा था, तो बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी उम्र जब 11 वर्ष 4 महीने की थी, उसी समय पिता की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन पर बैठने को लेकर बाबर के रिश्तेदारों में काफी मतभेद था और बाबर को अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध का सामना भी करना पड़ा था। बाबर के राज्याभिषेक में उसकी दादी एहसान दौलत बेगम की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। यहाँ पे यदि हम व्यक्तित्व के विषय में बात करते हैं बाबर का और उसके शारीरिक जो है उसका संरचना के विषय में, तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बाबर शारीरिक रूप से काफी शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके बारे में कहा जाता है कि बाबर अत्यधिक व्यायाम किया करता था तथा व्यायाम करने के लिए वो अपने दोनों कंधों पर दो लोगों को बैठा कर तेजी से ऊंचे मैदान में दौड़ लगाया करता था। यदि और हम बात करना चाहें यहाँ पे कि बाबर जो है वो कितना बलशाली था, तो हमें यह देखने को मिलता है कि बाबर साथ ही साथ व्यायाम करने के साथ ही साथ वो अपने रास्ते में आने वाली नदियों को तैर कर पार कर लिया करता था। कहा जाता है कि बाबर ने गंगा नदी को 2 बार तैर कर पार किया था।
अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि बाबर की जो है वैवाहिक जीवन वो किस प्रकार की रही थी। तो हमें यहाँ पे यह जानकारी मिलता है कि बाबर का वैवाहिक जीवन काफी हद तक सफल रहा था। बाबर की कुल 11 पत्नियां रही थी तथा इन पत्नियों से उसे 20 बच्चे थे। बाबर ने अपने फरगना के शासक बनने के बाद 1502 में समरकंद पर अधिकार कर लिया था, लेकिन समरकंद पर उसका अधिकार सिर्फ 8 महीनों तक ही रहा था। यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो समरकंद पर उसका अधिकार रहा था वो बहुत छोटे ही समय के लिए, या समरकंद पर जो उसका रहा था कार्यकाल वो सिर्फ 8 महीने का ही रहा था। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वो संघर्षों का सामना किया था या किस प्रकार की कठिनाइयों का अकबर को सामना करना पड़ा था, तो हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि बाबर को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस कठिन से कठिन कठिनाइयों में उसके कुछ विश्वास पात्र वफादारों ने भी बाबर की हर संभव सहायता भी की थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूमिका हम कह सकते हैं कि जो वफादार उसके रहे थे विश्वास पात्र उनका रहा था बाबर को जितने भी उसके द्वारा कार्य किए थे उसमें उसे सफलता अर्जित करवाने में। सफदीक शासक इस्माइल प्रथम ने बाबर के साथ अपना संबंध अच्छा बनाए रखा था और बाबर ने उसके साथ साझेदारी कर उसकी सहायता से मध्य एशिया के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। बाबर ने फरगना की हार से सबक लेते हुए ऐसी चाल चली कि वह अफगानिस्तान का शासक बन गया था। वास्तव में बाबर के दुश्मन जब तक एक दूसरे से लड़ते रहे थे या दुश्मनी निभा रहे थे, बाबर ने उनके इस कमजोरी का फायदा उठाया और अफगानिस्तान के काबुल में अपनी जीत दर्ज कर ली थी। 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की थी और इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर के द्वारा अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग कर नई उपाधि बादशाह के नाम से वह राजगद्दी पर बैठा था। बाबर मध्य एशिया में अपना साम्राज्य विस्तार करने में असफल रहा था और यही कारण था कि उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। यहाँ पे दूसरा कारण यह भी रहा था कि जो भारत के जो राजा थे उनके द्वारा उसे बाबर को लगातार निमंत्रण भी प्राप्त हो रहा था और यह कहीं हद तक बहुत बड़ा एक कारण रहा था जिस कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसे भारत पर आने के निमंत्रण देने वालों में दौलत खां प्रमुख है, जो पंजाब में अपना स्वतंत्र शासन कायम रखना चाहता था। आलम खान ने भी बाबर को निमंत्रण दिया था क्योंकि वह दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना चाहता था। राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था क्योंकि यह वह सोचता था कि बाबर अफगानों की शक्ति को नष्ट कर देगा तो वह दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त कर सकता है। यदि हम यहाँ पे बाबर के द्वारा जितने भी आक्रमण हुए थे उसकी चर्चा करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है, भारत पर बाबर का प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई लोगों के विरुद्ध हुआ था, जिसमें बाबर को बहुत सफलता भी प्राप्त हुई थी और बाजोर और भेरा पर उसने अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे भारत पे जो आक्रमण का सिलसिला प्रारंभ हुआ था बाबर का, वह बाजोर और भेरा पर अधिकार करने के साथ ही यहाँ से वह प्रशस्त भी होता है। इस आक्रमण में उसने तोपखाने का भी प्रयोग किया था। 1519 में बाबर ने अपने दूसरे अभियान में बाजोर और भेरा पर फिर से अधिकार कायम किया और उसके साथ सियालकोट एवं सैयदपुर पर भी विजय हासिल की थी। 15 बाबर के द्वारा भारत पर 5 बार आक्रमण किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रख दी थी। यहाँ पे बाबर के द्वारा जो 5 बार आक्रमण किया गया था उसमें बाबर को बहुत अधिक सफलता तो नहीं मिला था, परंतु इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था और उसके बाद अन्य जो युद्ध हुए थे उसके बाद ही बाबर को भारत में अपने साम्राज्य स्थापना में सफलता भी मिली थी और इसी के साथ उसने भारत पर मुगल शासन के स्थापना के मार्ग को भी प्रशस्त किया था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।